गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंजीनियर डेस्क क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब हम बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में, ये आपकी पहली क्लास से इतिहास के बारे में, तो लूसेंट से लिया गया है ये चैप्टर, आपको दिख भी रहा होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है, ज़्यादातर जो सिलेबस आता है वो आपका लूसेंट से ही पूछा जाता है। तो जब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तक फैला जो उपमहाद्वीप है उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्यों या पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था, यूनानियों ने भारत को क्या कहा था, इंडिया कहा था। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों की बात करें तो उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान के नाम से इसको संबोधित किया गया था। अब जब भारत की बात आती है इतिहास की, अध्ययन की सुविधा जब स्टडी करते हैं तो ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। पहली बात आती है प्राचीन भारत की, जिसको इंग्लिश में एंशियंट क्या कहते हैं, एंशियंट इंडिया कहते हैं। दूसरा आता है हमारा मिडविल इंडिया, मध्यकालीन भारत। तीसरा आता है आपका आधुनिक भारत, या इसको मॉडर्न इंडिया कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्राचीन इंडिया के बारे में, या इसको एंशियंट इंडिया के बारे में, तो इसके जो स्रोत थे, इसके ही कहाँ से मिलता है, इसको जो स्रोत मिलते हैं इनकी जानकारी, कुछ तो हमको धर्म ग्रंथों के आधार पर जो हमको, और सेकंड हमको मिलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर, और तीसरा हमारा विदेशों के कुछ विवरण, उनको क्लासिफिकेशन के द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भारत का इतिहास कैसा था। और कुछ बातों से हम, नंबर फोर्थ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से भी स्पष्ट होता है कि हमारे भारत का इतिहास कैसा थी। जब हम बात करते हैं धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जानकारी के बारे में, तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ या वेद था, उस वेद का क्या नाम था, उस वेद का नाम था ऋग्वेद। जब हम बात करते हैं भारत का धर्म ग्रंथ ही वेद है, जिसके जो है संकलन करता कौन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वेदों के संकलन करता थे जिनका क्या नाम था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन माना जाता था। वेद जो है वासुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रजित करता था, किसकी भावना को, वासुदेव कुटुंबकम की भावना को, क्योंकि जब हम वासुदेव कुटुंबकम की भावना करते हैं तो वेदे को नित्य अप्रूप मानती हैं। वेद चार थे, ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद थे, अथर्ववेद थे। और इन्हीं वेदों को हम क्या कहते थे, चार वेदों को संहिता कहते थे। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन्हीं चार वेदों को क्या कहा जाता था, इन वेदों को हम संहिता कहा जाता था। तो जब हम बात नेक्स्ट चीज की करते हैं, पहला जो वेद था ऋग्वेद, उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और वेदों के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में धीरे धीरे करके, लेकिन पहला जो वेद था उसको ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा गया, ऋग्वेद कहा जाया। इसमें क्या थे, 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे, वात लिखित पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 1462 ऋचाएँ थीं। इस वेदों के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि जो होते थे उनको हम क्या कहते थे, होतु कहते थे। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली और उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इस वेद के बारे में, ऋग्वेद के द्वारा। क्योंकि ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो विश्वामित्र जो थे उनको द्वारा ऋग्वेद रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसे 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है।
और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और चतुष वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेदियों के 10 मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिनके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख भुजाओं स्लंगों और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्म चार प्रमुख जातियों की स्थितियों और उनके व्यवसायों दायित्वों कर्तव्यों विशेष अधिकारों के स्पष्ट भाव को विभेद करता है। अब जब बात करते हैं कि हम ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में, तो जो ईसा पूर्व ईस्वी है इसके लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हो सकता है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।